ग्रेड 7 सब्जेक्ट हिंदी जिसमें मैथ्स कंटिन्यू करने आ रही हूं। पॉइंट नंबर 5 धरती की शान जिसके कवि हैं कवि और ये जो भरत व्यास जी जिनका नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है पंडित भरत व्यास जी वो हमारे हिंदी फिल्मों के कन्नड़ गीतकार भी हैं जो कि लास्ट वीडियो में मैंने इनके बारे में उनका परिचय दे चुकी हूँ और इस पोएम की जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेकंड नंबर पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लुक एट द बोर्ड। नयनों में ज्वाल नयनों में ज्वाल ये जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनके शब्दार्थ में यहाँ पर लिखते ही जाऊंगी। तो पहले मैं शब्दार्थ लिख देती हूँ इस फर्स्ट लाइन के नयन मीन्स नेत्र आंखें ओके ज्वाल मीन्स आग उसी लाइन की से अगली लाइन यहां पर लिखिए तेरी गति में भूचा भूचा यानी के भूकंप तेरी गति में भूचा। तो इस पहली लाइन में भरत व्यास जी कहते हैं नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचा जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये पूरी पोयम जो ये गीत दिया गया है वो मनुष्य की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कि इंसान में कौन कौन से काम करने की क्षमता है यहाँ पर इंसान में कितनी हिम्मत है उसके बारे में भरत व्यास जी कहते हैं कि नयनों में ज्वाल है तेरी गति में भूचा यानी तेरे नेत्रों में वो आग है कि तू भूकंप ला सकता है भूकंप जी भूकंप जैसे झटके से आता है और पूरी दुनिया को हिला कर डालते हिला डालता है तेज तेज कर देता है नुकसान कर देता है उसी तरह आप में वो काम करने की वो है जोश है आग भरी हुई कि आपको ये काम अगर सही है अगर आपको ये काम करना है तो डेफिनेटली वो आप करके ही रहोगे ओके। तेरे छाती में छिपा महाकाल है महाकाल यानी के हमारे शिव जी शंकर भगवान महाकाल का मतलब है शिव भगवान यहां हमको शंकर जी भी बोल सकते हैं तो यहां पर आपको शंकर जी लिखते हैं। तेरी छाती में छुपा आपके सीने में वो आग भड़क रही है वो ज्वाल है आग है कि आपको ये काम करना है इस फील्ड में हमें प्रगति हासिल करनी है सक्सेस हासिल करना है शिव भगवान की तरह। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल पृथ्वी यानी के धरती तुम धरती के लाल लाल यानी के पुत्र लाल मीन्स पुत्र तो पृथ्वी यानी कि धरती माता का तो पुत्र है हिमगिरी यानी हिमालय जैसा बाल यानी कि तेरे में हिमालय का जैसे ऊंचा दर्जा हिमालय का हमारे सबसे ज्यादा हवा हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पर है हिमालय में तो जैसे हिमालय इतने ऊंचे दर्जे पर है उसी तरह तेरा दर्जा भी कहाँ पर है इतनी ऊंचे लेवल पर है तो पृथ्वी का ऐसा धरती का एक ऐसा बेटा है। तेरे भूखड़ी में तांडव तेरी भूंगटे यानी कि बोम ये हमारे शरीर का एक पार्ट है भूंगटे यानी कि बोम भूंगटे में तांडव का ताल है मीन्स अगर हमें जब गुस्सा आ जाता है तो हम शंकर भगवान की तरह जैसे शिव जी को गुस्सा आता है तो जैसे हम जाते हैं वो तांडव करना शुरू कर देते उनका जो पर्टिकुलर डांस है वो करना शुरू कर देते तो यहाँ पर भरत व्यास जी कहते हैं कि वो क्वालिटी वो गुस्सा वो ज्वाल वो हम इंसानों के अंदर भी है पृथ्वी के पुत्र के बारे में लाल के यहाँ पर भी लाल को भी वही चीजें वही आग उनके सीने में भी है। निजो तू जान
जरा शक्ति पहचान। यहाँ पर व्यासी कहते हैं कि हे इंसान, तू अपने आप की इस शक्ति को पहचान। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे अंदर कौन सी प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट, ये हमें खुद से पता चलता है, उन्हें हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो व्यासी कहते हैं कि जो शक्ति सब इंसानों में है, तो वो शक्ति को तू खुद से पहचान कि तेरे अंदर क्या क्या शक्तियां और तू क्या क्या कर सकता है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, आह्वान यानी कि आवाज। यहां पर पहले अंडरलाइन कर दो। समझाना चाहते हैं
कि इंसान के अंदर हर एक क्षमता है, वो हिमालय जैसा मजबूत है, पवन जितना गतिशील है, पृथ्वी जैसा धरती जैसा धीर है, वो हवा में आकाश में एक उड़ान भर सके इतनी उसने हिम्मत है। इट मीन्स इन शॉर्ट ना करने वाले हर एक काम इंसान कर सकता है, पापों को रोक सकता है, अपने काल को बदल सकता है। तो यहाँ पर मैं ये पोएम कंप्लीट कर रही हूँ, थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो इस पोएम से रिलेटेड तो हम ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।